मैं भी आप सबका इस व्लॉग में वेलकम नहीं करूँगा। इट इज़ 11:08 राइट नाउ और रात के 11 बजे मैं ऐसे नेक बैंड पहन के क्यों बैठा हूँ, उसका रीज़न ये है कि हम लोग अभी टीवी पे बहुत तेज़ गाने सुन रहे थे और कल होली है, तो कल पापा का भी ऑफ है, सो वी वर जस्ट वाइबिंग एंड स्टफ़, तो फुल वॉल्यूम पे गाने चल रहे थे और उस वजह से मेरे को बहुत तेज़ गाने सुनने का मन कर गया। नाउ द बेस्ट डिवाइस दैट आई हैव राइट नाउ इज़ दिस। ऑब्वियसली मैं रात को 11 बजे स्पीकर नहीं बजा सकता और मेरे को व्लॉग के लिए तेज़ बात करनी पड़ी है। अभी सब लोग सो चुके हैं, मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, दिस इज़ रियल हैंडी और मैं आप लोगों को इसका लिंक छोड़ दूंगा, सो यू कैन गेट योर सेल्फ। आई गेस होली पे इसकी थोड़ी सेल वगैरह चल रही है, कोई कूपन कोड वगैरह कुछ भी नहीं है, अपने पैसे से खुद खरीदना, कोई कोड वोड कुछ नहीं है। तो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज़रूर चेकआउट करना। और साथ में अभी बैठे बैठे मैं मुँह धोने गया, मेरे को याद आया कि कल होली है, मतलब पहले भी याद था बट एक और बार याद वाला याद आया कि कल होली है। तो कल होली होने की वजह से सारे जिम्स बंद होने वाले हैं, तो मेरे को एक खुराफाती आइडिया जो आया दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ। मैंने अपने एक दोस्त को भी बोले कि एक खुराफाती आइडिया एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो 10 से 15 मिनट वेट कर पहले तू, मैं तेरे पास बाद में आऊँगा, पहले मैं अपना आइडिया एग्जीक्यूट करता हूँ, नहीं तो मेरे दिमाग से स्किप हो जाएगी वो चीज़। और वो आइडिया इज़ दिस। अब एनी टाइम फिटनेस पे मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर दे गिव 1 डे ट्रायल जहाँ पर हम रजिस्टर कर सकते हैं, सो दिस इज़ दी फ्री 1 डे पास। मैं साथ साथ मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं रजिस्टर करता हूँ और होपफुली हम लोग कल जिम जाएंगे, बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू स्किप वर्कआउट्स। और कल होली होने की वजह से सारे जिम्स बंद होंगे और मेरा जो जिस जिम में मैं जाता हूँ, जहाँ पे मैंने शूट करा है पहले भी रिवाइटल फिटनेस, वो यूजुअली बंद नहीं होता, बट कल होली है, कल नेशनल हॉलीडे है, तो उस वजह से जिम बंद होगा। तो दैट्स वाई एनी टाइम फिटनेस, देखते हैं अगर कल का ट्रायल मिल जाए, लेट्स होप सो मिल जाए। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने व्लॉग बना दिया कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ कि मेरा जिम कल मिस ना हो जाए, तो पहले मैं देखता हूँ एंड देन आई लेट यू गाइस नो। द जॉब इज़ डन, अभी मैंने यहाँ पे बस रजिस्टर करा है, बेसिक रजिस्टर है। आप एनी टाइम फिटनेस की वेबसाइट पर जाके यहाँ पे टॉप राइट में ये आइकन आ रहा होगा ट्राई अस फॉर फ्री, तो आप बस ट्राई अस फॉर फ्री पे क्लिक करो। उसके बाद इट विल आस्क यू कि आपका कौन सा लोकेलिटी है और अपना पिन कोड वगैरह डाल देना। तो मेरे को जो नियरेस्ट दिखा रहा था कीर्ति नगर में, दैट इज़ 0.6 किलोमीटर्स। तो लेट्स होप कि सुबह तक मेरे को रिवर्ट बैक आ जाए और मैं कल जाकर अपना जो भी सब्सक्रिप्शन, जो भी मैंने ट्रायल्स और फ्री, एक फ्री ट्रायल जो बेसिक होता है मैंने वो लिया, वो मैं कर पाऊँ और मेरा कल का वर्कआउट मिस ना हो। मत करने के लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि कल होली है, तो मोस्ट ऑफ़ दी जिम्स, मतलब ऑल ऑफ़ दी जिम्स आर क्लोज, और साथ में मैं वर्कआउट करने जाऊँगा तो मेरे को एक वैसा पावरफुल वाली फीलिंग आएगी। मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैं बता देता हूँ, आई डोंट लाइक टू मिस माई वर्कआउट्स। बहुत लोग करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट द थिंग्स यू लाइक आर द थिंग्स इन विच यू आर कंसिस्टेंट, तो उसमें कुछ नहीं होता। अगर मेरे को गेम खेलनी है तो मैं उसमें कंसिस्टेंट रहूँगा ही रहूँगा, मेरे को जिम जाना है मैं उसमें कंसिस्टेंट रहूँगा ही, जिस चीज़ में मेरा मन लगता है मैं उसमें कंसिस्टेंट रहूँगा ही रहूँगा। तो दैट इज़ जस्ट अ थिंग कि कंसिस्टेंट होना पड़ता है, जिस चीज़ को आप प्यार करते हो उस चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्ड हो जाती है। अब आई एम एक्साइटेड क्योंकि कल होली है और होली के लिए मैं ओके ओके इश एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई डोंट सेलिब्रेट मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स। मैं दिवाली भी बहुत ज़्यादा कम मनाता हूँ, वी जस्ट डू पूजा एंड स्टफ, हम क्रैकर्स वगैरह नहीं जलाते क्योंकि पॉल्यूशन होता है, साथ में पैसे वेस्ट होते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा चिंदी लड़का हूँ, मेरे को तो मतलब मैं होली के लिए एक गुब्बारा भी मैंने नहीं लिया, और ये पिछले 7-8 साल से होते आ रहे हैं। मैंने दशहरा में बच्चे अपने आप से रावण बनाते हैं, कस्टम मेड रावण, मैंने कभी वो नहीं करा। दिवाली में आई नेवर एवर बस्टेड एनी क्रैकर, पिछले 7-8 साल हो गया आई गेस। और होली में भी 1 रुपये का भी कलर, मतलब कलर सिर्फ वो जो शगुन का होली होती है बस वो करने के लिए होली मनाते हैं हम लोग। उस
अभी अभी के लिए बातें बहुत है क्योंकि सब सो रहे हैं और रात के 11:30 हो गए। मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है, होप फिंगर्स क्रॉस्ड कल मैसेज आ जाए। आगे बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब दबाए बिना मत जाना ताकि यू नेवर मिस एनी अपलोड। लेट्स हिट 1000 सब्सक्राइबर्स दिस ईयर। कल एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है एंड सी यू गाइज इन द मॉर्निंग। रेट इज 66.40 और एक महीने पहले आई वॉज अराउंड 67-68 समथिंग चल रहा था। तो धीरे धीरे मेरा बॉडी वेट कम हो रहा है बट आई एम हैप्पी इसकी मेरा जो मसल मास है वो मेंटेन्ड है। मसल मास में कोई भी कमी नहीं आ रही, एब्स में डेफिनेशन बहुत अच्छी आ रही है, एज यू कैन सी ऑब्लिक्स में भी, और ज्यादा क्लियर हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर, और ओब्लीक्स भी दिख रहे हैं अच्छे से। मतलब इन अ वीक और समथिंग ओब्लीक्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। सी दो बाइसेप और ट्राइसेप की सेपरेशन आ रही है। ओवरऑल आर्म जो है दैट इज प्रिटी स्ट्रांग। वास्कुलैरिटी अभी तो ज्यादा नहीं होगी बट ड्यूरिंग द वर्कआउट और ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड आवर्स वैस्कुलैरिटी एकदम से बहुत ज्यादा पीक पर हो जाती है। वेलकम करना भूल गया, मेरे को याद आया कि मैंने शायद रात को रिकॉर्ड करते हुए बोला था कि अभी मैं वेलकम नहीं कर रहा आपका। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक नए व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज 29th मार्च, आज होली है, तो हैप्पी होली टू एवरीवन। मेक श्योर आप घर पे सेफ रहकर होली सेलिब्रेट करो। बाहर जाना हो तो विद प्रिकॉशन जाओ और किसी के टच में तो ना ही आओ स्ट्रेंजर के, तो इट्स बेटर। खा रहा हूँ इस बेचारे का तो पेपर चल रहा, तो ये होली खेल ही नहीं सकता। मैं खेलता नहीं। हाँ, जलने की बदबू आ रही है इसमें से। खिलाया था वो तो चलो एक दो जगह आए थे, इसमें से जलने की बदबू आ रही है। नीचे नहीं, ऊपर से। और अभी ये यहाँ पे खड़े हैं, इनको यहाँ से पता नहीं किसी ने घर से मारा। आंटी भड़क गई। और साथ में देखो तारे भी हैं, बिजली की तारे हैं, उस पर पानी जा रहा है। उनकी दुकान पे मार दिया, त्राही त्राही छा रखी है हर जगह। आई एम जस्ट हेयर फॉर द कंटेंट गाइस। अपने को कंटेंट मिल रहा, अपने को क्या, अपने को सिर्फ कंटेंट निकालना। हमारी होली ना गुब्बारे से होगी, ना हमारी होली पानी से, ना हमारी होली पानी से होने वाली है। हमारी होली इज गोइंग टू बी एन इनसेन पुश वर्कआउट, बट उससे पहले थोड़े बहुत काम है दैट आई हैव टू फिनिश। नंबर दिए जहां पर मेरे को अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो पहले मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ एंड वील बी हिटिंग एन इनसेन पुश या पुल। अभी तक मेरा डिसाइड नहीं हुआ है बट बहुत ज्यादा मस्त मजे वाला वर्कआउट होने वाला है। पहले मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ एंड देन वील हेड टू द जिम। Oh.
dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mister ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take. अभी जस्ट घर में एंटर करा, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो घर पे राजमा चावल बने हैं। पहले मैं अपने राजमा चावल खाऊंगा। राजमा में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उस वजह से मैंने अल्टरनेटिव बनवाया। और तो अगर आपको डाइट से रिलेटेड में कोई ऐसी वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स। अगर आप नहीं बताओगे तो भी मैं बनाने ही वाला हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज आई क्रेव फॉर कंटेंट। तो बहुत जल्द वो वीडियो देखने में मिलेगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर आज का वर्कआउट पसंद आया, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना इफ यू आर न्यू टू द चैनल। बेल आइकन जरूर दबाना और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ में ये वीडियो जरूर 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 शेयर करना। आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना।